चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि सवाल यहाँ पे जिस तरह से प्रभाकर ने उठाया है कि सरकार के पास संख्या बल तो है, लेकिन मेरा आपसे सवाल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे मैं हमेशा मूल सवाल करता हूँ कि चर्चाओं को बीजेपी कांग्रेस से हटकर भी करना चाहिए हमें सामाजिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, तो क्या इस देश में, क्योंकि कुछ पिछले दो तीन घटनाएं देखें, दो तीन मुद्दे देखें, तो ऐसा लगा सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं, तो इस देश में संख्या बल बड़ा होगा या नीति बड़ी होगी? सुप्रीम कोर्ट की नीति कहती है कि दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार वहां कह रही है कि हमारे पास संख्या बल है तो यह फैसला हम अपने आप में कर सकते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर देश के सियासतदान कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होगी, हंगामा होगा, सियासत होगी, लेकिन नीति कहती है कि इस देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि मणिपुर में हुआ क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसके गुनहगार कौन है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सत्ता का हमेशा से चरित्र डिवाइड एंड रूल कर रहा है, बांटो और राज करो। कभी किसी ने अलग तरह से बांट के राज किया, कभी किसी ने अलग तरह से बांट के राज किया। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की राजनीति चुनावी जीत तक इर्द गिर्द रह गई है। इसी वजह से गुजरात का पूरा मंत्रिपरिषद चुनावी हार की डर से मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाता है, लेकिन जहां पर 75-80 दिनों से एक प्रदेश जल रहा है वहां के मुख्यमंत्री से ऐसी कोई राजनीतिक शुचिता की या नैतिकता की न कोई अपेक्षा कर रहा है न वो पेशकश कर रहे हैं। मोरबी का जो पुल गिरा उसमें इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपने देखा कि सरकार की तरफ से नैतिकता या किसी तरह से किसी ने भी इस्तीफे की पेशकश नहीं की। अब वो दौर चला गया जब राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का हवाला देकर लोग अपने सार्वजनिक पद पर बैठे लोग अपना पद संवैधानिक पद पर बैठे लोग छोड़ दिया करते थे। अब वो राजनीति का दौर है कि मंत्रियों से बुला के इस्तीफा लिया जाता है और वो चुपचाप उसका कारण भी नहीं बताते और न कभी विरोध जताते हैं। देखिए, हम डे वन से कम हम अपने चैनल की बात कर सकते हैं, हम डे वन से मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जब वीडियो ये सतह पर आया उसके बहुत पहले से News24 मणिपुर की चर्चा हमेशा से करता रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने जब मणिपुर की तुलना राजस्थान या दूसरे राज्यों के महिला अत्याचारों से की, वही एक गलत था, वही एक मणिपुर के साथ अन्याय था। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है और सरकार की तरफ से जो वहां पर जवाब दिए गए, ये मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दरकिनार करते हुए सिर्फ सरकार के जवाब और सरकार के तथ्यों को ही देखा जाए तो मुझे लगता है कि आगे से राजस्थान, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ वहाँ की घटनाओं को मणिपुर के बराबर जोड़ने का जो कुत्सित प्रयास पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब आगे नहीं होगा। मणिपुर में 6,500 FIR है। मणिपुर में 3 मई के बाद से लेकर जुलाई के अंतिम हफ्ता तक पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही है। मणिपुर में स्टेट मशीनरी का फेल्योर है। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में जब ये बात कही और वो भी सरकार के जवाब के बाद कही, तो इससे ये क्लियर होता है कि मणिपुर को बाकी राज्यों से जो लोग भी मिला करके बात आज कल तक कर रहे थे वो बिल्कुल मणिपुर के साथ अन्याय कर रहे थे। मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने जो कदम उठाए उसकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए और मणिपुर के हालात को सामान्य बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसके ऊपर चर्चा तभी होगी जब संसद में चर्चा होगी, तो और विस्तार से चीज़ें सामने आएंगी और देश को पता चलेगा। मुझे उम्मीद है देश के बहुत सारे लोग जो मणिपुर को सिर्फ उस महिला के अत्याचार के वीडियो वाली घटना को जोड़ रहे थे उनकी भी आंखें खुली होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप पीछे देखिए, पिछले सेशन में अडानी का, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी का मामला आया, संसद नहीं चल रही थी, सरकार की तरफ से अडानी पर एक शब्द नहीं बोला गया। आपको मालूम है कि उनका शेयर कहां से कहां पहुंच गया, कितने शेयर धारकों का पैसा चला गया। LIC की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज आई थी, उसके बाद LIC ने भी आज तक कुछ नहीं बताया। तो सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब से भी ने कहा हमने तो कोई जांच ही नहीं की। जब सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार ने कहा कमेटी में हमारे लोग होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई और अपने लोगों को उसमें रखा, उनकी रिपोर्ट अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। SEBI ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जाके उसमें और समय मांगा। अगर इसके पहले वाले सेशन में जाइए तो पेगासस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। इस सेशन को देखिए तो इस सेशन में जो गतिरोध है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तब देश को पता चला है,
जब सरकार को पता चला है, तब आम लोगों को पता चला है कि मणिपुर की स्थिति कितनी खराब है। तो बात यही है कि जब आप सत्ता चुनावी जीत से जोड़ करके देखते हैं, सियासत को चुनावी जीत से जोड़ के देखते हैं, चाहे उसकी कीमत कोई भी चुकानी पड़ जाए, तब राजनीति, मुझे लगता है तब लोकतंत्र का गला घुटता है। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार हो रही है, मणिपुर का सच क्या देश के सामने आएगा, और दिल्ली की जनता इस अध्यादेश को लेकर अपनी क्या राय रखेगी, ये भी जानने वाली बात है। चर्चा की शुरुआत